हमारा मेटाफेस है, मेटाफेस के अंदर क्रोमोसोम अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो क्रोमोसोम होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टूट गई, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए इस तरीके से। और ये दोनों सेंट्रियोल, ये जो हमारे सेंट्रियोल थे ये दोनों पोल पे अरेंज हो गए, इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक। और दूसरा क्या होगा इसमें, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमर। ये देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, असल में इसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, एक तो ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, इन दोनों को जो बाइंड करके रखता है, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोमर, ठीक है। बीच में एक गोला होता है सेंट्रोमर, ठीक है, जो इन दोनों क्रोमेटिड को बाइंड करके रखता है। तो अब इसमें होता क्या है, मेटाफेज के अंदर एक तो क्रोमोसोम लाइन में आ गए, दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमर, यानी कि जो सेंट्रियोल होंगे इनसे कुछ धागे से निकल के बाहर आएंगे जिनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और वो किससे जाके जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे सेंट्रोमर से जाके। तो ये होगा हमारा मेटाफेज के अंदर। इसके बाद